लफ्ज़ों को ज़िंदगी देना और एहसासात को कुव्वत बयान अता करना ही शायरी की मेराज है। एक ऐसा हुनर जो न सिर्फ अल्फाज को हयात देता है बल्कि अपने सुनने और पढ़ने वालों को भी ज़िंदगी के नए जायके चखाता है। ऐसे ही एक बाकमाल व बाहुनर शायर आज की इस महफिल में भी मौजूद हैं। नौजवान हैं मगर कोहना मश्क, यहीं जर्मनी में ही पले बढ़े हैं और एक यूनिवर्सिटी में लिसानियात के तालिबे इल्म हैं। कबल इसके कि मैं उन्हें दावत कलाम दूँ, उनके ये चंद अशार आपकी नज़र हैं। जुज खामोशी अब सूरत इजहार नहीं है, जो देखता आया था वो दीदार नहीं है। ऐ शहर के बासी यहाँ खुशबू की तरह आ, जंगल में कोई रास्ता हमवार नहीं है। दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मुदब्बर आसान से कि अपना कलाम अता करें। जनाब मुदब्बर आसान, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त काफ़ी गुजर चुका है। एक गज़ल है, सादा अल्फाज हैं लेकिन कुछ कैफियतों का उसमें बयान है। एक हाथ में तीली है, एक हाथ में पानी है, एक हाथ में तीली है, एक हाथ में पानी है, एक आग लगानी है, एक आग बुझानी है। एक हाथ में तीली है, एक हाथ में पानी है, एक आग लगानी है, एक आग बुझानी है। हर रोज़ नया सागर, हर रोज़ नई मौजें, हर रोज़ नया सागर, हर रोज़ नई मौजें, एक प्यास है दिल में जो दिल से भी पुरानी है। हर रोज़ नया सागर, हर रोज़ नई मौजें, एक प्यास है दिल में जो दिल से भी पुरानी है। अब आपसे क्या कहना, अब आपसे क्या सुनना, डॉक्टर साहब, अब आपसे क्या कहना, अब आपसे क्या सुनना, जब आप कहानी को समझे के कहानी है। अब आपसे क्या कहना, अब आपसे क्या सुनना, जब आप कहानी को समझे के कहानी है। अहवाल सुनाने में यूं महव न हो जाना, अहवाल सुनाने में यूं महव न हो जाना, होशियार मेरे यारा यहाँ आह दबानी है। सफ सीधी है मुस्लिम की, बस दिल है कि टेढ़े हैं। सफ सीधी है मुस्लिम की, बस दिल है कि टेढ़े हैं। बेफैज जमाने की ये भी तो निशानी है, बेफैज जमाने की ये भी तो निशानी है। फना और बका का एक मसला है, बाकी रहने में असल में कितनी मुश्किल होती है। ये शेर में देखिएगा कि मैं होऊंगा फना तुझ में, रह जाएगा तू बाकी। मैं होऊंगा फना तुझ में, रह जाएगा तू बाकी। ये तान नहीं ए हुस्न, बस याद दिहानी है। मैं होऊंगा फना तुझ में, रह जाएगा तू बाकी। ये तान नहीं है हुस्न, बस याद दिहानी है। मैं होऊंगा फना तुझ में, रह जाएगा तू बाकी। ये तान नहीं है हुस्न, बस याद दिहानी है। आखिरी शेर है कि डरता हूँ मैं हंसने से, फिर रात खामोशी ने। डरता हूँ मैं हंसने से, फिर रात खामोशी ने, मुझको मेरे हंसने की रुदाद सुनानी है। डरता हूँ मैं हंसने से, फिर रात खामोशी ने, मुझको मेरे हंसने की रुदाद सुनानी है। एक हाथ में तीली है, एक हाथ में पानी है, एक आग लगानी है, एक आग बुझानी है। जिंदगी को जिंदगी के नाम कर बैठे, क्या बात है, बहुत हो, क्या बात, बेनिहायत सोच कर ये काम कर बैठे हैं हम। जिंदगी को जिंदगी के नाम कर बैठे हैं हम। इतनी सेवा ए बरहमन,
राम की इच्छा नहीं। क्या क्या? इतनी क्या सेवा ए ब्राह्मण राम की इच्छा नहीं। इस सबब से आदमी को राम कर बैठे क्या बात बहुत हो। इतनी सेवा ए ब्राह्मण राम की इच्छा नहीं। इस सबब से आदमी को राम कर बैठे हैं हम। बहुत हो, बहुत याद करके उनका वादा करके रोशन सब दिए। याद करके उनका वादा करके रोशन सब दिए। सुबह ही से अपने घर में शाम कर बैठे हैं हम। बहुत हो, क्या याद करके उनका वादा करके रोशन सब दिए। सुबह ही से अपने घर में शाम कर बैठे हैं हम। और उनकी दरबानी में भी शिरकत कहाँ मंजूर है। उनकी दरबानी में भी शिरकत कहाँ मंजूर है। कहते हैं रिजवां से भी आराम कर बैठे हैं हम। क्या उनकी दरबानी में भी शिरकत कहाँ मंजूर है। कहते हैं रिजवां से भी आराम कर बैठे हैं हम। खुश्क साली और उस पर अश्क हाली। हाय हाय। खुश्क साली और उस पर अश्क हाली। हाय हाय। कितनी ही आंखों को अब तक जाम कर बैठे हैं हम। वाह बहुत हो। इश्क बेदीवानगी और हुस्न बेनज़ारगी। इश्क बेदीवानगी और हुस्न बेनज़ारगी। देख जाहिद ये ख्याल खाम कर बैठे हैं हम। क्या बात। इश्क बेदीवानगी और हुस्न बेनज़ारगी। देख जाहिद ये ख्याल खाम कर बैठे हैं हम। आखिरी शेर है मरहबा जो भी मुकाबिल पर है आया। मरहबा मरहबा जो भी मुकाबिल पर है आया। मरहबा। तर्क खौफे खतरे अंजाम कर बैठे हैं हम। मरहबा जो भी मुकाबिल पर है आया। मरहबा। तर्क खौफे खतरे अंजाम कर बैठे हैं हम।